पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नसिंग रामी पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर काम शुरू कर रखा है, लेकिन अब तजिया निगार ये कहते सुने गए हैं कि इसकी तैयारी में ताखीर की जा रही है या ताखीर हो रही है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान फौज में क्यों अभी तक इसे शामिल नहीं किया जा सका, इसके बारे में फौज की तरफ से भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसमें इसकी ताखीर की वजह बयान की गई हो। लेकिन हकाइक पर नजर डालने से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनका इस वीडियो में जिक्र करेंगे, इनकी वजहात बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकोन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो वाइये नासरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाजिंग रामी, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि आर्मी की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जिसमें इसकी ताखीर की वजह बताई गई हो, लेकिन बाज़ दिफाई तजिया निगार इसके बारे में तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। माहिरीन ने इस त्यारे को पाक फिजाइया में शामिल न होने की और तहकीर होने की दो वजहात बता रहे हैं। पहली वजह ये है, प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के पास दिफाई मद में फंडिंग की कमी है और त्यारा साजी के लिए एक खतीर रकम की जरूरत होती है और इस मद में दिफाई बजट को भी रखना होता है। इसके साथ साथ ये बात भी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से JTNC का सौदा किया है और 25 JTNC पाकिस्तान को भी दिए गए हैं। अब फिजाइये के पास इतना बजट तो है नहीं कि वो चीन से भी त्यारे खरीदे और खुद भी बनाए, इसलिए इस काम में ताखीर हो रही है। 2022 में तो पाक फिजाइया के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने बजट में इस तरह का कोई काम कर सके, इसलिए अगले साल के बजट में ऐन मुमकिन है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए कोई बजट पास करवाया जा सके। प्यारे दोस्तों, पाक फौज के बजट में सिर्फ त्यारे और असलिया जात को ही नहीं देखा जा सकता बल्कि दीगर जरूरियात को भी इस बजट में पूरा करना होता है। इसलिए पहले भी पाक फौज ने बड़ी तादाद में चीन से दिफाई जरूरियात की चीजें खरीदी हैं और बजट का एक खतीर हिस्सा इस मद में खर्च किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन से जो भी हथियार खरीदे जाते हैं इसकी एडवांस पेमेंट की जाती है, इसलिए अगला बजट ही इस त्यारे को पाक फिजाइया में शमूलियत को मुमकिन बना सकेगा। नसिंग रामी, दूसरी वजह जो माहरीन बता रहे हैं वो ये है कि इस त्यारे को टेस्ट करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे सिस्टम नए लगाए गए हैं जो तजुर्बाती मरहल से गुजारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके तमाम सिस्टम बार बार चेक किए जा रहे हैं और इसके हमला करने वाले मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। इसकी स्पीड और फ्यूल कैपेसिटी को भी देखा जा रहा है, इसके साथ साथ रेंज और दूसरे और सिस्टम को भी देखा जा रहा है और परखा भी जा रहा है ताकि जब ये त्यारा मुकम्मल हो जाए इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। इसके साथ साथ इसमें एंटी शिप फंक्शन भी देखे जा रहे हैं, इसके अंदर जो एंटी शिप मिसाइल हैं इनको भी तजुर्बाती मरहल से गुजारा जा रहा है। नसिंग रामी, ये खबर भी है कि मुकामी तौर पर पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रॉनिक रडार बनाया है वो भी इस त्यारे में लगाकर टेस्ट किया जा सकता है, इसी वजह से इसकी तैयारी में ताखीर हो रही है, यानी इसके सारे सिस्टम को चेक किया जा चुका है। नसिंग रामी, यही वजह है इस त्यारे की बनावट में ताखीर हो रही है और उम्मीद की जाती है कि 2022 के आखिर तक या 2023 के शुरू में इस त्यारे को नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा और पाकिस्तान जल्द ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाक फिजाइया में शामिल कर लेगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।